विपिन, इस वक्त बताइए वहां पर क्या चल रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट से आपको क्या जानकारियां हासिल हो रही हैं? देखिए देखिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले उस तस्वीर दिखाता हूं जहां पर गोली मारी गई है दोनों भाइयों के। यहां पे पिस्टल है, यहां पे पैर की चप्पल आपको नजर आएगी। सामने देखिए 9mm की पिस्टल है वो है, और सामने इन दोनों भाइयों का खून, और देखिए माथे पर गोली मारी गई है और उन दोनों की पगड़ी भी आप यहां पर गिरी हुई देख सकते हैं। इसके अलावा सामने गिरी हुई मोटरसाइकिल, गिरे हुए कैमरे आपको नजर आएंगे। और हम इस वक्त उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं जिसके ठीक सामने गोली मारी गई है। आपको ये क्राइम स्पॉट जो है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर आप देखिए पिस्टल की तस्वीर दिखाइए, पिस्टल थोड़ा जूम करके दिखाइए। मेरे कैमरा पर्सन रोहित प्रीति आपको लगातार दिखा रहे हैं पुलिस की मौजूदगी, एक बार पुलिस की मौजूदगी दिखाइए। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस बल आपको नजर आएगी, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और एक बात और प्रीति कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ये जो सबसे बड़ा डर है कि इसके बाद क्या होगा, क्या रिएक्शन का रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। दोनों भाइयों की पगड़ी, और हम चाहेंगे ये जो विजुअल्स लाइव जा रहे हैं इसको आप ब्लर कर दें, और माथे पर गोली मारी गई है क्योंकि माथे का गिरा हुआ हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। ये तस्वीर पुलिस की, अतीक और उसके भाई अशरफ की जिंदा आखिरी तस्वीर जिसमें जिंदा होने के साथ मरने तक की तस्वीर, वो अतीक अहमद जिसके एक वक्त में कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, जिसके गुनाह और जिसके कर्मों की वजह से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का हिस्सा डरता था, आज वो किस तरह से मिट्टी में मिल गया है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके आगे की तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो विचलित आपको करेंगी। मीडिया का जमावड़ा, मीडिया के का जमावड़ा, और वहां पर पहले बहुत क्लोज बहुत करीबी से ये गोली मारी जाती है, शॉट डेड जिसको कहा जाता है। गोली लगते ही दोनों भाई मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर से किस तरह से वो मीडिया से बात कर रहे थे, और इस दौरान तीन हमलावर पहुंचते हैं। दो मुस्लिम। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, मीडिया को बयान दे रहा था अतीक अहमद और उसका भाई, और इसी दौरान उस पर फायर किया जाता है। बिल्कुल, मेडिकल के लिए कल भी लाए गए थे और आज भी उसी अस्पताल में लाया गया है। हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं और आपको गिरी हुई मोटरसाइकिल, पिस्टल की तस्वीरें दिखाएंगे, और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम लाइव कैमरे पर नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए कुछ मीडिया कर्मी थे जिनके कैमरे और जिनका यहाँ पर माइक गिरा हुआ है, माइक के ठीक बगल में पिस्टल की गोली है जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी। थोड़ा हमारे कैमरा पर्सन को सर जगह दीजिए, हम क्रॉस नहीं करेंगे लाइन को, हम अपनी सीमा को समझते हैं। और ये देखिए उस माइक के ठीक आगे गोली पड़ी हुई है जिस गोली का शिकार बनाया गया, और सामने बाइक गिरी हुई है, और ये गेट और ये पूरा परिसर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां से अतीक दाखिल हुआ था, कहां वो अंदर जा रहा था, कैसे गोली मारी गई, वो पूरा सीक्वेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन रोहित आपको दिखाएंगे, ये कोलविन मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ये मुख्य गेट है। इसी गेट के बाहर गाड़ी रुकती है और पैदल यहां से अंदर तक का सफर मेडिकल कराने के लिए अतीक अहमद यहां से अंदर जाता है, जहां पर आकस्मिक चिकित्सा विभाग इस वक्त लिखा हुआ है, यहीं पर अतीक का मेडिकल कराया जाना था। और इसी दौरान कुछ मीडिया कर्मी यहां पर आते हैं, और खून ब्लड स्टेन्स पर दिखाइएगा रोहित, क्योंकि लाइव में हम ये नहीं दिखा सकते। और देखिए दो पिस्टल यहां पर अभी भी मुझे नजर आ रही है, एक पिस्टल वहां है और एक पिस्टल दूसरी तरफ है, वहां भी देखिए एक पिस्टल नजर आ रही है। संभवतः ये 9mm की पिस्टल है, और इसी पिस्टल से दोनों का शिकार बनाया गया। लगातार कई राउंड गोलियां फायर की गई हैं और सीधा माथे पर, माथे को निशाना बनाने की कोशिश। बिखरी हुई चप्पलें यहां पर, पिस्टल यहां पर, चश्मा, गोली, जो गोली यहां पर आप पहले दिखा रहे थे उसके निशान दिखाइए, और यहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाइयों को निशाना बनाया गया है, और यहां पर देखिए एक और गोली यहां पर गिरी हुई है। अब इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए इस गेट से अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इसी गेट से दाखिल होता है, और इस मेडिकल कॉलेज में आगे की तरफ जो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसी मेडिकल कॉलेज के इस गेट के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, और उसी दौरान उसको निशाना बनाया जाता है। वो अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल ही हो पाता, उससे पहले ही उसको निशाना बना लिया गया, और इस जगह पर जहां पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है, यहीं पर निशाना बनाया गया। और तीसरी पिस्टल मुझे नजर आ रही है, ये देखिए
ये तीसरी पिस्टल है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ गोलियां बिखरी हुई हैं, चारों तरफ तीन पिस्टल मुझे नजर आ रही है। पिस्टल नंबर वन और दूसरी पिस्टल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और गोलियों के भी निशाने दिखाइए। एक कार्टेज वहां गिरा हुआ है, एक कार्टेज यहां पर है, ये जिंदा कार्टेज है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला पिस्टल यहां देखिए, ये पहली पिस्टल की तस्वीर देखिए, उसके बाद दूसरी पिस्टल की तस्वीर रोहित मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे और मैं इस बीच में अपने जो स्थानीय संवाददाता है विनय उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और पूरा सीक्वेंस वो भी हमें समझाएंगे।